नमस्कार, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 तोप, क्लास 10th हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स। सो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों की होती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये हमें अपने पूर्वजों, परंपराओं और इतिहास की जानकारी देते हैं और इसी के साथ हमें सीख भी देते हैं, इसलिए इन्हें अमूल्य माना गया है जिनका कोई मूल्य ना हो। प्रश्न दो, इस कविता से आपको तोप के बारे में क्या जानकारी मिलती है? उत्तर है, इस कविता में हमें तोप के विषय के बारे में यह जानकारी मिलती है कि यह तोप 1857 में एक शक्तिशाली हथियार था जिसकी सहायता से कई वीरों के प्राण लिए गए थे, परंतु आज ये तोप केवल देखने की वस्तु मात्र रह गई है। अब बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं और चिड़िया इस पर गपशप करती हैं। प्रश्न तीन, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? उत्तर है, कंपनी बाग में रखी तोप हमें अंग्रेजों के अत्याचारों और हमारे शहीदों की याद दिलाती है और सावधान रहने की सलाह देती है ताकि कोई दोबारा हम पर राज ना कर सके। कि इसी के साथ तोप यह सीख भी देती है कि चाहे कोई कितना भी अधिक शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। प्रश्न चार, कविता में तोप के दो बार चमकाने की बात कही गई है, ये दो अवसर कौन से होंगे? उत्तर है, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक दो दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी है। इन्हीं दो उपलक्ष्यों पर कंपनी बाग को सजाया जाता है और तोप को चमकाया जाता है। भाग ख, निम्नलिखित के भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर ये फारीग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाएं ही अक्सर करती हैं गपशप। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि ने तोप की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है। एक समय में जहां तोप ने सबको डरा कर रखा था, वही आज बच्चे उस पर घुड़सवारी कर रहे हैं और चिड़ियां उस पर बैठकर गपशप करती हैं। दूसरा, वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। उत्तर है, आज कंपनी बाग में रखी तोप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। छोटी छोटी चिड़ियाएं भी उस पर खेलती फुदकती रहती हैं। यह बात दर्शाता है कि कोई कितना भी शक्तिशाली और क्रूर क्यों ना हो, एक दिन उसे शांत होना ही पड़ता है। तीसरा, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। उड़ता है, इन पंक्तियों में तोप अपनी प्रशंसा कर रही है कि 1857 में उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था, उसने कई वीरों को मारा था। आज के प्रश्न उत्तर यहीं तक ख़त्म होते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑन।